कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से एससी एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मीडिया बंधुओं, जैसा कि ये विदित है कि अब पुराने संसद भवन की विदाई हो चुकी है, जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है, और वहाँ मुझे भी संसद के दोनों सदनों में जाने का मौका मिला है। ये मेरे लिए सौभाग्य की भी बात है। तो वहीं दूसरी तरफ आज से वहाँ नव निर्मित संसद भवन की भी शुरुआत की जा रही है, जिसका हमारी पार्टी दिल से स्वागत करती है। और आज इस नए संसद भवन में केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किया जाएगा, यह ऐसी मीडिया में काफ़ी आम चर्चा है, जिसके पक्ष में बीएसपी सहित अधिकांश पार्टियां भी अपना मत देंगी, ऐसी भी पूरी संभावना है अन्य पार्टियों के बारे में भी। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा, जो ये अभी तक लंबे अरसे से लटका हुआ था। और इस संदर्भ में मैंने अपनी पार्टी की ओर से एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार संसद में ये कहा था कि हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 33% देने की बजाय, यदि उनके आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% आरक्षण दिया जाता है, तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे तय दिल से स्वागत करेगी। सरकार इसके बारे में भी जरूर सोच विचार करे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा था कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से एससी एसटी व ओबीसी वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए, अर्थात इन्हें यानी कि एससी व एसटी को अब तक मिल रहे कोटे में शामिल ना किया जाए, क्योंकि बात ये चल रही है कि जो पहले से एससी एसटी को आरक्षण मिला हुआ है लोकसभा व विधानसभा में, जो भी इनको आरक्षण है तो उसमें से इनको कोटा दिया जाए। तो इसके पक्षधर नहीं है हमारी पार्टी की महिलाओं को उसके एससी एसटी को जो रिजर्वेशन मिल रहा है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में उसमें से इनको दिया जाए, ये ठीक नहीं है। उनका बना रहे जो अब 33% दिया जा रहा उसमें से इनकी व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात वरना इन वर्गों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी होगी। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो फिर इन सभी वर्गों की पिछड़ी महिलाओं को यहाँ सामान्य सीटों पर जल्दी से मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ जातिवादी पार्टियाँ शुरू से ही इन वर्गों को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती हैं। जबकि भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने हैं व इन्हें स्वाभिमान की ज़िंदगी बसर करने के लिए इन्हें सरकारी नौकरियों व राजनीति आदि में अलग से इसलिए आरक्षण देने की व्यवस्था की थी, क्योंकि इन वर्गों के लोग यहाँ सदियों से जातिवादी व्यवस्था के तहत शैक्षणिक आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए थे, जो अभी भी पिछड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ये चाहती है कि इन वर्गों की महिलाओं को आज पेश किए जाने वाले महिला आरक्षण बिल में
इनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं किया जाता है और ये बिल वर्तमान स्थिति में ऐसे ही पास कर दिया जाता है तो फिर हमारी पार्टी ये मानकर चलेगी कि इस मामले में भी बीजेपी व कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है और ये पार्टियां इन वर्गों को अभी भी पिछड़े हुए बनाए रखना चाहती हैं। इसके साथ ही ये भी सर्वविदित है कि इस बिल में इनकी सीटें निर्धारित करने को लेकर जो भी मापदंड तय किए जाएंगे तथा सीटें आदि जो भी बढ़ाई जाएंगी तो उसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और ये बिल समय से भी लागू होना चाहिए। बीएसपी की ये पुरजोर मांग व सलाह भी है। इसके साथ ही हमारी पार्टी यहाँ ये भी कहना चाहती है कि यदि आज आ रहे महिला आरक्षण बिल में हमारी पार्टी की इन मांगों पर अमल नहीं किया जाता है तो भी ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी आज संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले महिला आरक्षण बिल को फिर भी इसे समर्थन देगी व पास कराने में पूरी मदद करेगी, क्योंकि यहाँ सभी जाति व धर्मों की महिलाओं को हर मामले में पुरुषों की तुलना में अभी तक भी काफ़ी पिछड़ा बना के रखा गया है। अर्थात देश में सब समाज की महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व उनकी हालत में ज़रूरी सुधार लाने को लेकर बातें तो बहुत की जाती हैं, किंतु उन पर पूरी ईमानदारी व साफ नीयत से अमल करने की बजाय उनकी घोर अनदेखी करना तथा उन पर उसी आधे अधूरे मन से काम किया जाता है जैसा कि संविधान के मानवीय एवं कल्याणकारी उद्देश्यों के साथ ही पहले SC व ST और अब OBC समाज के आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने का खिलवाड़ लगातार किया जा रहा है। और इन मामलों में कोई भी पार्टी किसी से कम नहीं है, बल्कि कोई पार्टी थोड़ा कम है तो कोई ज़्यादा है। अब मैं अंत में वर्तमान केंद्र की सरकार द्वारा आज लाए जा रहे महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद साथियों। अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।